बड़ी खबर का रुख करते हैं। 3000 किलो घी सीज किया गया और 3000 किलो मसाले नष्ट किए गए। चिकित्सा विभाग के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। खाद्य आयुक्त पुखराज सेन, संयुक्त आयुक्त सीएल मीणा के निर्देशन में छापा। केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सरना डूंगा स्थित J348C परिसर और VKI स्थित रोड नंबर 1 पर KN एंटरप्राइजेस के गोदाम पर छापा मारा। सरना डूंगर में 3020 किलो मिलावटी हल्दी, मिर्च, धनिया मिले हैं जिन्हें नष्ट किया गया है। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, ये खबर इसलिए बड़ी मुझे ज्यादा लग रही है क्योंकि त्योहारी सीजन जाने के बाद इस तरीके की कार्रवाई ये बताती है कि हाँ, अधिकारी गंभीरता के साथ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए काम कर रहे हैं और मिलावट खोरों पर शिकंजा कस रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, शुद्ध के लिए अभियान के तहत लगातार विभाग की कार्रवाइयां जारी है। उन विभाग की कार्यवाही के अंदर हाल ही में बड़ा बदलाव विभाग के अंदर किया गया, जिसमें खाद्य आयुक्त के पद पर पुखराज सेन को जिम्मेदारी दी गई, जिनके निर्देशन में संयुक्त आयुक्त सीएल मीणा के साथ में बड़ा छापा मारा गया। केंद्रीय दल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है उन्होंने छापा मारा, जिसमें की दो जगह छापामार कार्रवाई की गई है। एक तरफ जहाँ सरना डूंगर के अंदर कार्रवाई की गई, वहाँ पर 3020 किलो मिलावटी हल्दी, मिर्च, धनिया का पाउडर जमा मिला है, जिसको मौके पर ही नष्ट कराया गया है। इसके अलावा VKI इंडस्ट्री एरिया के अंदर KN एंटरप्राइजेस पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां पर की 3000 किलो घी, प्रसंग श्रेणी का एक घी था, उसको सीज किया गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि देशी घी की जो बिक्री है बाजार के अंदर 350 रुपए प्रति किलो के भाव में देशी घी बिक रहा था, जो कि सभी के लिए चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि आमतौर पर अभी जो देशी घी की कीमत है वो करीब 450 से 500 रुपए के आसपास आती है। तो ऐसे में 350 रुपए किलो के अंदर घी बिक रहा था, अपने आप में संदेह के घेरे में था। देशी घी के नाम पर घी बेचा जा रहा है, जिसकी कार्रवाई जो है अभी कुछ देर पहले VKI इंडस्ट्री एरिया में की गई है। खुद संयुक्त आयुक्त है फूड डिपार्टमेंट के सीएम मीणा, उनके निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है, जो की सेंटर टीम की इसको साथ ही कार्रवाई की गई है। जी जी, बिल्कुल विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक छोटे